किसी औरत से पूछते हैं कि क्या करती हो, लेकिन एक औरत ही होती है जो सबकी खुशियों का ख्याल रखती है, कितनी संघर्ष करती है, ये दो परिवार को जोड़ के रखती है। लेकिन बहुत हल्के में लेते हैं एक हाउसवाइफ को। एक औरत ना हो तो घर घर नहीं रहेगा। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल रीतांचल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी सुबह, देखिए आजकल क्या हो रहा है ना कि छुट्टी हो गई है तो बहुत लेट उठना हो जा रहा है। मैं भी थोड़ा लेट ही उठ रही हूँ, तो थोड़ा काम तो लेट भी हो रहा है। अब तो स्कूल खुलने के बाद ही फिर रूटीन पे आएंगे। अभी मैं उठ के भी करूँ क्या? सब सोए रहते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है फिर काम करना। खैर मैं उठ जाती हूँ, फिर भी सब सोए ही रहते हैं, और उठ के अपना काम करती हूँ, एक कप चाय पीती हूँ, क्योंकि यही एक टाइम होता है जब मैं अपने लिए कुछ कर पाती हूँ। वरना तो फिर एक बार जो रूटीन शुरू हुआ तो उसके बाद फिर 2-3 बजे तक बैठने की भी फुर्सत नहीं होती है। तो मुझे अच्छा भी लगता है, इस टाइम का मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ सुबह। बस यही मेरा, मतलब क्या बोलूँ मैं, ये मी टाइम है। इस टाइम पे बैठ के मैं अपने लिए सोचती हूँ, अपने लिए कुछ, मतलब दिन में क्या करना है उसके बारे में सोचती हूँ। बाकी तो पूरे दिन टाइम नहीं मिलता है अपने बारे में सोचने का भी। तो एक कप चाय पीती हूँ, उसके बाद जब फ्रेश होता है, क्योंकि बिना चाय पिए तो मन फ्रेश होता नहीं है, चाय तो चाहिए ही। और मेरी आदत है दूध वाली चाय पीने की, और हस्बैंड सुबह सुबह लेमन टी पीते हैं, तो मैं एक कप अपना बना के पी लेती हूँ और फिर उनके लिए बाद में फिर लेमन टी बना के देती हूँ। तो आज लंच में मैंने बनाया था राजमा चावल, और राजमा तो मैंने भिगा के रात में ही रख दिया था। और आज देखिए ना, सोचा कि चलो आज सोए हुए हैं तो सब्ज़ी पहले ही बना लेती हूँ राजमा, क्योंकि इन लोगों के उठने के बाद ही मैं फिर कुछ कर पाती हूँ। सोए रहते हैं तो फिर ना लाइट जलाने नहीं देंगे, तो झाड़ू भी नहीं ठीक से हो पाता है। तो टाइम था, मतलब आजकल मैं 6:30-7 बजे के आसपास उठ जाती हूँ, तो बहुत टाइम था। सोचा कि चलो तब तक राजमा बना लेती हूँ, उठेंगे तो फिर नाश्ता कुछ बना दूँगी, पोहा या जो बोलेंगे वो बना दूँगी। तो आज शुरुआत ही मैंने लंच के लिए ही कर दी है, चलो पहले लंच ही बना लेती हूँ, चावल तो बाद में बनता रहेगा धीरे धीरे। तो राजमा तो सभी बनाते ही हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, फ़ौरन में जीरा और तेज़पत्ता सूखी मिर्च का फ़ौरन देके, और प्याज इसमें कुछ ज़्यादा मैं डालती हूँ, 3 बड़ा बड़ा प्याज था तो वो डाला है, प्याज भुना, उसके बाद उसमें टमाटर डाला, और फिर बेसिक मसाले जो होते हैं वही सब डाला है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इसमें थोड़ा जीरा पाउडर मैं ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि राजमा में जीरा डालिएगा ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा मीट मसाला डाला है, और खूब अच्छी तरह मसाले को भुना, और फिर राजमा को भी डाल के मैं, राजमा का जो पानी होता है ना उसको भी मैं सूखने तक भूनती हूँ। जब अच्छी तरह से उसका पानी सूख जाता है फिर ही मैं इसमें पानी डालती हूँ, और 3-4 सीटी लगा लिया, अच्छी बनी थी राजमा। और देखिए आज इतना मौसम ख़राब था ना, सुबह से आज बारिश हो रही है और इतनी तेज़ हवा, ये मतलब मैंने रजाई कंबल सब रख दिया, फिर से मुझे निकालना पड़ रहा है। देखिए अब इतनी मुश्किल, बॉक्स में डालना और निकालना बहुत मुश्किल लगता है। बॉक्स को तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मैंने बेड बना रखा है, अब उसको खोलना बंद करना इतना परेशानी लगता है ना, लेकिन क्या करूँ। फिर कंबल निकाला मैंने आज, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, स्वेटर तो नहीं निकाला लेकिन कंबल निकाला। और फिर शाम को ना चूड़ा फ्राई किया मैंने नाश्ते के लिए, शाम को कुछ ना कुछ तो मांगते ही हैं खाने के लिए। आज बारिश हो रही थी तो कोई गया भी नहीं बाहर, तो सोचा कि घर में ही बना लेती हूँ। और कुछ सामान भी ख़त्म हुआ था, लेकिन कैसे निकलूँ, इतनी बारिश हो रही थी, पूरे दिन बारिश हुई है। तो चूड़ा ऐसे ही भून दिया, हम लोग तो ऐसे खाते हैं, पता नहीं आप लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। जैसे फ़ौरन में मैंने डाला है सूखी मिर्च और थोड़ा सा खड़ा धनिया और प्याज को भून के, उसके बाद फिर चूड़ा डाल के इसको भूनेंगे खूब, मतलब मीडियम फ्लेम पे। और थोड़ी सी मैंने मूँगफली डाली है, और बहुत अच्छा लगता है इसमें थोड़ा सा मिक्सचर डाल के, और तब खाइए तो बहुत अच्छा लगता है। हेलो,
आज की स्थिति बहुत ख़राब है, मैं क्या बताऊँ। मैं सुबह से जो बारिश हो रही है ना, तो निकलना मुश्किल हो गया है घर में से। सामान भी कुछ कुछ ख़त्म हुआ है, दूध लाना है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए शाम के 6 बज गए और इतनी हालत ख़राब है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना। सुबह से लाइट भी नहीं थी, मैंने ब्लॉगिंग भी सही तरीके से नहीं किया। अभी जो थोड़ा बहुत है वो मैंने शूट किया है और वही आप लोग के साथ शेयर किया है। स्वेटर भी डाल दिए थे बॉक्स में, कंबल भी डाल दिया था, और बारिश की वजह से फिर से ठंड हो गई है। अभी इतनी दिक्कत हो गई है, अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकालूं मैं बॉक्स में से। इतना ईजी तो है नहीं, आपने देखा ही हुआ है कि मैंने पूरा मतलब उस पर बेड जैसा बना रखा है, निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। अभी बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, चूड़ा फ्राई किया है मैंने। चूड़ा भून के खाते हैं ना, पता नहीं आप लोग बनाते हैं कि नहीं, तो चूड़ा भुना है थोड़ा सा। अभी वो लोग नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद आज सोच रही हूँ, बारिश हो रही है तो लिट्टी तो बनता है हम लोग का। जब बारिश होती है तो पकौड़े और लिट्टी तो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, तो बनाना तो पड़ेगा। देखती हूँ, मूड भी ख़राब है ना, अभी मौसम इतना ख़राब हो गया। नहीं इसको अच्छा बोले कि ख़राब बोले कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यही मतलब खूब गर्मी पड़ती है तो बारिश कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन अभी हल्की हल्की गर्मी है आई और बारिश के साथ साथ क्या ना कि खूब तेज़ हवा चल रही है, जिसकी वजह से बहुत ठंड हो गई है। अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी चलती हूँ, अभी चूड़ा फ्राई करके रखा है, बच्चों को नाश्ता कराऊंगी और उसके बाद अभी सोच रही हूँ आज सत्तू वाला ही बनाऊँ, तो देखती हूँ वही बनाऊँगी आज। तो आज के ब्लॉग में मैं कुछ कर ही नहीं पाई, क्या करूँ मैं। लाइट नहीं थी, सुबह की गई, शाम के 4 बजे लाइट आई है। हवा की वजह से जगह जगह डिस्टर्ब हो गया था तो लाइट कट कर दिया था। हवा भी थी और बारिश भी थी। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर के बाद। अगर ये बैगन हो तो इसका चोखा कैसे बनाएं? चलिए मैं आपको आइडिया देती हूँ कैसे इसका चोखा बनाएंगे। बहुत इजी तरीका है। कट कर लेंगे, बैगन को बीच में से कट कर लिया है मैंने, और उसको पैन में ना थोड़ा सा तेल डाल के और सबको बिल्कुल सीम आँच पे ना ढक के इसको थोड़ा सा सेक लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था। नमक डालिएगा तो थोड़ा जल्दी गल जाएगा। इस तरह से भी जैसे ये वाला बैगन होता है ना लंबा वाला, तो इसका मतलब आप सेकिएगा ना। अगर सोचिएगा गैस पे पका के इसको बनाऊँ तो फिर ये होता नहीं है, मतलब पतला होता है तो सेकने में ज़्यादा जल जाता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये आइडिया अच्छा है, इसको आप पैन में सेक लीजिए और ऐसे जब इसको तोड़िएगा तो जब इसको मैश कीजिएगा तो छिलका अपने आप अलग हो जाता है, तो छिलका हटा दीजिए और फिर इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, और मैंने टमाटर को गैस पे ही पका लिया था, सेक लिया था उसको, और थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल इसमें डाला है मैंने, नींबू का रस, आप चाहे तो थोड़ा धनिया पत्ता भी डाल लीजिएगा, मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाला था। और लिट्टी के साथ खाने के लिए मैंने ये बनाया था चोखा, तो लिट्टी के साथ तो चोखा या चटनी तो चाहिए ही, तो चोखा था नहीं और बैंगन ऐसा था तो सोचा कि चलो कुछ दिमाग लगा के इसको बनाया जाए चोखा। और टेस्ट में भी फर्क होता है, आप सेक के बनाइए उसका अलग टेस्ट होगा और ऐसे बनाइएगा तो कुछ अलग टेस्ट होगा, लेकिन अच्छी बनी थी, आप ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिएगा, एक अच्छा आइडिया है। आप चाहे तो ऐसे भरता भी बना सकते हैं। तैयारी सारी करके रख दी मैंने, सत्तू मिक्स करके चोखा बना दिया। अब सिर्फ आटा गूंदना बाकी रह गया है, आटा गूंदूंगी और फिर रात में खाने के टाइम पे जो बोलेंगे वो बनाऊंगी, लिट्टी या पराठा जो खाएंगे वो बनाऊंगी। अभी के लिए तो मेरा मिनी ब्लॉग तो जाता ही है, तो ये तो ब्लॉग है तो इसमें तो कुछ खास रेसिपी नहीं होती है, हालांकि जो बनाती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे मिनी ब्लॉग मेरा जाता है रेसिपी के लिए। एंड करती हूँ और फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर कुछ स्पेशल हुआ तो ठीक है,
नहीं तो जो रूटीन है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर, आप लोग अपना ध्यान रखिए और मेरा भी ध्यान रखिए। एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।